थक गया हूँ दिल बहलाए, आतिश लगी और तिश्नगी, सीना ये मेरा क्यों जलाए। अलिफ बस, अलिफ बस हर्फ नहीं, ज़र्फ है कमाल का, इब्तिदा जान की, जवाब हर सवाल का। अलिफ बस। क्यों जाग रहे हो? मुझे बहुत इतनी सारी के सामने बैठे हो, क्या कर रहे हो? वो थोड़ा स्कूल वर्क रह गया था, वो कर रहा हूँ। अच्छा कर लो, लेकिन जल्दी। ठीक है। सॉरी अल्लाह ताला, मैंने मम्मी से झूठ बोला, लेकिन ये मेरा और आपका सीक्रेट है, मैं किसी से शेयर नहीं। इतने दिनों से मैं आपको रोज खत लिखता हूँ और रोज खत भेजता हूँ, लेकिन आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। एक बार मुझे ख्याल आया कि शायद आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप मुझसे कैसे नाराज हो सकते हैं, मैं तो एक बच्चा हूँ और बच्चे तो आपको बड़े प्यारे हैं, मम्मी कहती है। पता कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन मम्मी कहती हैं आप वहाँ रहते हैं जहाँ कोई नहीं रहता, आसमान पर। मैं तो आसमान तक नहीं जा सकता, लेकिन आपको खत यहाँ भेज रहा हूँ क्योंकि आप तो अपनी डाक हर जगह से ले लेते हैं। ये भी मुझे मम्मी ने ही बताया था। आज 30वां खत भेजा है मैंने आपको, प्लीज बाबा को भेज दें। छेदिए माइमून neden geç kaldın yine? Ben yolumu kaybettim.
Sen her zaman yolunu kaybediyorsun. Bugün ceza olarak kapının önünde bekleyeceksin. Derse girmeyeceksin. Donkey. Donkey. Eşek. जाने जहां ताहा आज तुम्हें गए हुए एक साल से ऊपर हो गया। मम्मी पापा को रोज खत लिखती है, एक लंबा सा खत। मम्मी मुझे कभी ये नहीं पढ़ने देती कि उन्होंने खत में क्या लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि वो खत में क्या लिखती है। मम्मा अब पापा को खत लिखती है लेकिन अपने पास ही सारे क्यों रखती है? मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है। मैं आपको उनका एड्रेस दे दूंगा। तुम सो जाओ, देर हो गई। मम्मी के पास बाबा का एड्रेस नहीं है लेकिन मेरे पास आपका एड्रेस है, इसीलिए मैं आपको आपके एड्रेस पर ही लेटर्स भेजता हूँ। ये भी भेजो। मैं और मम्मी बाबा को रोज मिस करती। मम्मी मुझसे बाबा की बात नहीं करती मगर रोज होती। मैं मम्मी को बताता नहीं लेकिन वो जब भी रात को बाबा को खत लिखती है मैं उनको देखता रहता हूँ। वो खत लिखकर खूब रोती है और फिर खत को लिफाफे में डालकर अलमारी में एक मौजूद डब्बे में डाल देती है और फिर अलमारी को ताला लगा देती है। फिर दोबारा बैठ कर रोने लगती है। मैं नहीं रोता क्योंकि मैं बहादुर हूँ, लेकिन जब मैं हर रोज स्कूल से आकर लेटर बॉक्स चेक करता हूँ और आपका खत नहीं होता तो मुझे रोना आता। दिस इज नॉट फेयर। किसका खत है पता नहीं। मैं आपको दोबारा कभी खत नहीं लिखूंगा। मोमिन तुम्हारा खत आया है। मेरा खत किसने भेजा है? अल्लाह ताला ने। शुक्र कॉफी। मेरा फोन भी लाओ। जी जी मोमिन भाई। हमें ये फोन फोन हमें कपड़े प्रेस कर दिए और वो ड्राइवर को गाड़ी निकलवाने के लिए भी कह दी। वो रात को आएगा दाऊद उसको लेके इवेंट प्लानर को। ठीक है वीकेंड की सक्सेस पार्टी प्लान करनी है। देख जी जी उन्होंने बता दिया था। Hey, Shelly. Can you believe this moment? Believe what? तुमने अभी तक दस नहीं देखा? देख रहा हूँ क्या हुआ? तो देखो ना मेरी तस्वीर इन दो लड़कियों से साइज में छोटी है। बिल्कुल ठीक है Shelly, कोई इशू नहीं। नहीं जान, छोटी है गौर से देखो। Maybe half inch छोटी हो। What? Half inch का फर्क? Tell me something, Momin. इस साल की सबसे बड़ी हिट इनको किसने दी है? मैंने। और पिक्चर का साइज भी मेरा ही छोटा कर दिया। तो तुम परवाह मत करो शाली, कोई इशू नहीं। परवाह नहीं करूं? तुम ऐसा कह रहे हो मोमिन? I don't believe you. Listen, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैसिव है मेरे खंबास में। कल बात करें इस बारे में। What? तुम्हारे सर में दर्द है? मोमिन तो मुझे पहले बता देते। ओके यू हैंग अप, मैं अभी आती हूँ। नहीं 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 प्लीज अभी मत आना, अभी मुझे जल्दी मैंने ऑडिशंस के लिए जाना।
कल बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? You've been very mean to me, Momin. मैंने तुम्हें इतनी बड़ी हिट दी है और तुम फिर भी ऑडिशंस करते फिर रहे हो नई फिल्म की हीरोइन के लिए. That's really bad. तुम्हें पता है शैली, मैं अपनी फिल्म्स में हीरोइन रिपीट नहीं करता. गाली देने का दिल कर रहे हैं तुम? अरे हाँ बेबी, टेक्स्ट कर देना मुझे भी, मैंने तैयार होकर निकलना. ओके बाय बाय बाय. कमीने, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मेरे करीब मत आना, मैं बता रही हूँ, मेरे करीब मत आना वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी. तुम मुझे पा नहीं सकते, तुम मुझे नहीं पा सकते, मुझे पा नहीं सकते. हेलो हेलो मोमना, 12:30 ऑडिशन है. हाँ हाँ मुझे पता है, बस पहुंच जाऊंगी मैं टाइम पे. मैंने कहा याद दिला दूं. थैंक यू, गुड हाफिज. रिहर्सल हो गई तुम्हारी? हाँ. चलो बस जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुम्हारे कपड़े स्टी कर देती हूँ. मैं ये काम नहीं करना चाहती. जानती हूँ मैं, हर बार सुनती हूँ, अगर मोमिन की फिल्म में तुम्हें रोल मिल जाए ना तो किस्मत बदल जाएगी तुम्हारी. मेरी किस्मत फिर भी नहीं बदलेगी. जहांगीर, जहांगीर, तबीयत कैसी? वैसे ही हूँ पापा. ठीक हो जाओगे? वो तो मुझे पता है, मरता तो इंसान जाबे जब वो मरना चाहता हो. मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ करना है. एक जगह ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, दुआ करना. मोमिन की फिल्म के लिए? मिल जाएगी आपको पापा. अल्लाह करे. अवार्ड पे अवार्ड मिलेगा, वो जैसे मेरे अवार्ड है, स्टार बनेंगे आप. स्टार बनना नहीं चाहती, सितारे तो टूट जाते हैं, मुझे बस पैसे चाहिए जिससे मैं तुम्हारा डूबता सितारा बचा लूं. हाँ कौन कौन सी मेडिसिन खत्म हो गई है तुम्हारी? बस जल्दी करें ना, बस निकल जाएगी. अरे 5 मिनट में हो जाएगा सब, 5 मिनट. उसने जहाँ को भी ना 5 मिनट में तैयार किया करता था, उसे भी 5 मिनट में तैयार होना होता. इसी मक्खन जैसी मुलायम स्किन थी उसकी, पाउडर फिसल जाता था. मेरे अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी अपने चेहरे को. मैं लिपस्टिक खुद लगाऊंगी. हाँ अरे लिपस्टिक, लिपस्टिक में ही तो असल आर्ट होता है. लिपस्टिक की वजह से कैमरे के सामने अच्छे से अच्छे हो बुरे लगने लग जाते. अब देखो वहां पे ना बालों को जरा यूं कर लेना, अच्छा जरा वो. खुदा हाफिज़ मोमिना. एक मिनट बेटा, जहांगीर का डायलिसिस है कल, तुम्हारे ड्रामे की पेमेंट कब होगी? अम्मा पेमेंट लेने खुद जाना पड़ेगा सेट पे, जूनियर आर्टिस्टों को कहाँ मिलती है इतनी जल्दी पेमेंट. मैंने अपने हाथों से तैयार किया, स्क्रीन पर ना उसने जहाँ लगोगी यूं यूं रोल मिलेगा. लग गया वाला. खुदा हाफिज़. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा. आपको हमेशा लगता है उनका वैनिटी बॉक्स मुझे उसने जहाँ बना देगा. आपको पता ही नहीं कि दुनिया बदल गई है, उनके वैनिटी बॉक्स की सारी चीज़ें एक्सपायर हो चुकी है. अब वो ब्रांड मेकअप भी नहीं बनाता जो ब्रांड उसने जहाँ का पसंदीदा था. अब बार बार मुझे उसने जहाँ बना कर दुनिया में भेजते हैं, फिर मैं उन्ना बन के रह जाती हूँ.
12 नंबर स्टाफ वाले। आईना मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तुमसे और तुम किसी और से। तीनों ही पागल हैं और तीनों के हाल खाली रहेंगे। देखो इस सिगरेट को तुम्हारे होठों ने छुआ है, अब तक जल रही है। इसे तुम्हें बुझा सकती हूँ, लेकिन मैं और आईना जल तो सकते हैं, बुझ नहीं सकते। आग हो सकते हैं, राख नहीं। Excellent, very nice, nicely done. अच्छा परफॉर्म किया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा दाऊद, इसको जरा दूसरे वाला ड्रेस ट्राई करवा दो। अब बाकी कॉस्ट्यूम्स तो अब लुक टेस्ट भी ट्राई कराऊंगा। हाँ ये भी है, चलो। ठीक है, थैंक यू सना, दाऊद बता देगा तुम्हें। हाँ? It's my dream to work with you. Okay. दाऊद तुम्हें लुक टेस्ट के बाद बता देगा। Sure sir, मैं बाहर तक छोड़ के आऊंगा। Okay, bye. Thank you. हुए 1700, 3500 और 4500, ये कुल मिला के हुए 8000। बाकी जो रह गए हैं वो सेकंड लीड के लिए यूटिलाइज करेंगे। जी। You're so focused. अभी से लाइन याद कर रही हो क्या? कौन से रोल के लिए आई हो? साइड हीरोइन के लिए। अच्छा, वो तो बहुत ग्लैमरस एक्टर नहीं थी क्या? Best of luck. Thank you. सबसे पहले कितने लोगों की बारी है? मैम बारी से नहीं बुला रहे, रैंडमली बुला रहे हैं सबको। और अभी तो साइड हीरोइंस के ऑडिशंस भी शुरू होने वाले हैं। Okay girls, make sure before leaving Thank you. you have given the right address and contact number. Thank you. Assalam alaikum Saleem bhai. Waalaikum assalam. Tumhe hi phone karne wala tha main. Ek role hai. Takriban 10 din ka kaam hai. To bada role dete Saleem bhai. Ha ha. Agli baar. Kitni baar to kaha hai producer ke sath gapshap lagaya karo. इसके पार्टी में जाओ, वो खुद ब खुद रोल मिलता है और बढ़ता भी। चेक आज मिल जाएगा ना? आज तो मुश्किल है। सलीम भाई किसी तरह आज ही करवा दें, कल जंगी का डायलिसिस है, थोड़ी बहुत ही रकम दिलवा दें। अच्छा मैं करता हूँ कुछ। तुम आ रही हो? जी बस दो तीन घंटे तक पहुँचती हूँ। हद हो गई है मोमना, कब से ढूंढ रहा हूँ, फोन अलहदा बिजी चल रहा है तुम्हारा। बस सलीम भाई मैं पहुँचती हूँ, ठीक है, खुदा हाफिज़। सॉरी बस एक जरूरी कॉल करने बाहर चली आई। सीन डायलॉग सब याद है ना? हाँ याद है, रोल मिल जाएगा ना? मोमिन की मर्जी यार, बड़ी जरूरत है इस रोल की। दाऊद वहां चली जाएं मार्क पर। सर ये मोमना सुल्तान है जिनका मैंने आपके साथ शूट शेयर किया था। अपने बारे में कुछ बताएं। 3-4 साल से एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, किसी फिल्म में देखा नहीं आपको ऐसा? टीवी पे काम किया है। अच्छा, कौन से सीरियल में लीड किया? लीड तो नहीं किया अभी तक, सोप में काफी काम किया है और सीरियल भी नहीं किया अभी तक। She is a soap actress and you brought her to the audition of a movie. Seriously? एक्ट्रेस अच्छी हैं, एक दफा देख लेते हैं, but I have options. अच्छा पढ़ो पहला सीन करके दिखाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, मोहब्बत से ज्यादा गहरा और दायमी रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। अगर कभी कोई मुझे चॉइस भी दे ना, तब भी मैं खुद को तुमसे अलग ना करूं। ये दुपट्टा उतार के जरा टेबल पर रख दो। जी दुपट्टा उतार के टेबल पर रख दो, सीन खराब कर रहे हैं।
मैं बांध लेती हूँ। तो उतारने में क्या मसला? कंफर्टेबल नहीं होंगी। एक्सक्यूज मी, दुपट्टा उतारने से तुम सीन में कंफर्टेबल नहीं हो, इज दैट व्हाट यू सेइंग? कल भी मोमिन की फिल्म में कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं पहना, तुमने रोल के बारे में नहीं बताया उसको। मेरी इतनी डिटेल में बात नहीं हुई थी, सिर्फ ऑडिशंस की सीन्स दिए थे, ब्रीफ था उसमें। हीरोइन की दोस्त का रोल है जो उसका मंगेतर छीनना चाहती है। वैम्प का रोल, वैम्प का, एक ऐसी औरत का जो मर्द को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो नाचती है, गाती है, बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलती है, पार्टियों पे जाती है, दुपट्टे में कर लोगी सारा कुछ? हाँ, तुम अहमदजात, तुम मुझसे मेरी इज्जत क्या छीनोगे? अरे इज्जत तो मेरी पैर की जूती पे है, और जिल्लत से बढ़के मुझे कभी कोई चीज रास आई नहीं। चिकन एक्ट, लेकिन जितना रोल सेडक्टिव और ग्लैमरस है, ये लगेगी उस तरह की? आई थिंक सो, अभी तो शलवार कमीज पहना है इसलिए शायद देसी लग रही है। मेरा ख्याल बिकिनी और मिनी स्कर्ट में भी ऐसी लगेगी मोर ऑर लेस। मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, लेकिन हाँ आपको यकीन दिलाती हूँ कि एक्टिंग में। ओ बीबी, मैं आर्ट फिल्म नहीं बना रहा, कमर्शियल फिल्म बना रहा हूँ। तुमने यहाँ के ना मेरा और अपना दोनों का वक्त जाया किया, कम से कम अपने रोल की डिस्क्रिप्शन पता कर लेती आने से पहले। आप मुझे कोई और रोल दे दें, कोई भी साइड रोल या छोटा रोल। मोमिन की फिल्म में तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं। सॉरी, यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फिल्म स्टार। नेक्स्ट वन, लाइट्स ऑन। मुझे तीसरे वाला ऑडिशन दिखाओ, ठीक है? तीसरे वाला ऑडिशन। सिद्दीकी आ जाएंगे वो नेक्स्ट। मोमना, अक्षा से बात करता हूँ मैं। तो मोमना सुल्तान, तुम चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरती? या शायद शर्म से डूब मरने के लिए भी चुल्लू भर पानी ज्यादा है? मुझे इसके पास आने ही नहीं चाहिए था, जरूरत ने मजबूर किया था। जरूरत भी बड़ी बेशर्म चीज है। कहाँ गई? ओके, लेट्स डू दिस। ऑलराइट बेबी, स्टॉप बीइंग नर्वस, इट्स ऑल फाइन। तुम्हारे पहले जरा बाल इस साइड पे ठीक है? एक्सक्यूज मी, मेरी ये फाइल रह गई थी यहाँ पे। ये क्या मैनेजर है? बगैर पूछे अंदर कैसे आई हो? सॉरी, मैं अपनी फाइल भूल गई थी। टेंशन हासिल करने का वैसे बहुत चीप तरीका है, वेरी चीप ऑफ यू। जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उससे तो कम चीप है। व्हाट यू से? हाँ? मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, फाइल लेने आई हूँ, लेके जा रही हूँ। बदतमीजी कौन कर रहा है, मैं या तुम? क्या चीप हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या चीप है इसमें? और अगर इतना ही चीप है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू क्या को विदाउट आंसरिंग मी, बताओ मुझे। मेरी मर्जी, मैं तुम्हें जवाब दूं ना दूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मोमना, इतनी सती सावित्री हो तो घर जाके बुर्का पहन के बैठो।
यहाँ पे आके एक रोल की भीख मांगने के लिए मेरे आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें. दिस ऑल ऑफ दिस इज एज चीप एज यू आर. मैं यहाँ काम लेने आई हूँ, इज्जत बेचने नहीं. ये बिकनी और मिनी स्कर्ट में औरत का जिस्म दिखा के जो तुम आर्ट की खिदमत कर रहे हो ना, ये भी वैसे ही चीप. सीरियसली इज दिस व्हाट शी इज सेइंग? सीरियसली आई एम सो सॉरी. मैं अपोलोजाइज करता हूं इसकी जगह. आई एम सो सॉरी. दिस इज ऑल योर फॉल्ट. कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया कि इस तरह की दो टके की ड्रामा एक्ट्रेसेस को मत ले गया करो ऑडिशन के लिए. मगर ये थी कौन? आई एम रियली सॉरी. मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए. तुम्हारे सारे खत अल्लाह ताला के पास पहुंच गए हैं और उन्होंने पढ़ भी लिए हैं. इन खतों का जवाब देने के लिए अल्लाह मुझे तुम्हारे पास भेज रहे हैं. मैं 15 तारीख को तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा. अल्लाह ने आपको भी खत लिखा? तुम्हारे दादा का है. लेकिन अल्लाह ताला ने हमें खत खुद क्यों नहीं लिखा? अल्लाह ताला खुद खत नहीं लिखते. उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका सारा काम करते हैं. मगर मैंने तो बाबा को मांगा था, दादा को नहीं. वो भी यार सच, मम्मी सच, अल्लाह ताला ने आपको खत में लिखा है? लिखा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है. I love you, अल्लाह. आप बहुत अच्छे हैं. मेरे बाबा को वापस भेज रहे हैं. मुझे पता था कि आपको मेरे लेटर जरूर मिल जाएंगे और आप उनका जवाब भी देंगे. मेरे सारे खत आपके पास चले गए और आपने पढ़ भी लिए हैं. मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन आपको ये सीक्रेट मम्मी को नहीं बताना चाहिए था. ये आपकी गलती नहीं है. मुझे लगता है ये गलती दादा अबू से हुई है. तुम्हारे बाबा आ जाएंगे ना तो हम उनके साथ चले जाएंगे. हम यहाँ नहीं रहेंगे. नहीं. वो कितने दिन बाद आ रहे? बहुत दिन. बहुत दिन? वो गए क्यों थे? मुझसे गलती हो गई थी. तो आप माफी मांग लेती? मांगी थी. जब वो आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि आपको माफ कर दे. वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे. आपको एक बात बताऊं? वरना वो आपको कभी नहीं बताएं. क्या? कभी कभी मुझे बाबा ख्वाब में आते हैं. फिर? मैं उनको सितारा बनते देखता हूँ. वो सितारा कैसे बनते हैं? वही मैं सोचता हूँ. चलो सोचो. सब कुछ इतना अच्छा और मजे का होता है. मम्मी एक रात को रुकती भी नहीं और बाबा को खत भी नहीं लिखती. उन्होंने आज नए कपड़े भी लिए हैं मेरे लिए और अपने लिए. मम्मी रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हंसते हुए बहुत अच्छी. वाह मम्मी, आपके पास तो बहुत सारी ज्वेलरी है. हाँ. तो आप पहनते क्यों नहीं? जब तुम्हारे बाबा थे तो पहनती थी. अब फिर पहनूंगी. मैं पहनाता हूँ. मम्मी आज बहुत प्यारी लग रही हैं और मैं मम्मी को हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ.
मुस्कुराते हुए और खुश। क्या देख रहे हो? मम्मा आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा? तुम्हारे बाबा को ये केक बहुत पसंद था। मैं अक्सर उनके लिए बनाया करती थी। मेरे लिए तो आपने कभी नहीं बनाया। अब बना रही हो ना? आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं या बाबा से? तुमसे ज्यादा बाबा से और बाबा से ज्यादा तुमसे। यानी किससे ज्यादा? वो आ गए। Beautiful woman. लेकिन तुम्हारे हाथ के बाद। Love you. Love you too. तुम्हारा taste तो हर चीज़ से matches. अच्छा? यानी indirectly तुम अपनी खुद तारीफ कर रही हो, हाँ? मेरी तारीफ करने के लिए तुम काफी हो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। कल भी मम्मी ने मुझे propose किया। It's like a dream come true. अच्छा? मुझ में क्या चला था? बस यहाँ छिल गई तो। बस यहाँ, यहाँ नहीं। कल्बे मोमिन दिमाग से नहीं सोचता, बस दिल फैसला करता है बात। जब तुम इस तरह बात करते हो ना, लड़कियों को दिलों को अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट लेते हो, कल्बे मोमिन। लेकिन कल्बे मोमिन सिर्फ तुम्हारी मुट्ठी में। अंकल हुस्ने जहां जैसी हो तो। जैसे क्यों? उसने जहां क्यों नहीं? हुस्ने जहां बस एक ही थी। भी चला गया। अम्मा ठीक कहती है, मुझे अकल नहीं है, मैं बाद में पछताने वालों में से हूँ। कुछ तो अकल करती हूँ, इनकार करती है आगे सीने से। क्या करती? मिनी स्कर्ट पहन के दिखा देती। तू उनको दो तीन सीन तो करके दिखाती, एक्टिंग देकर वो खुद तुझे रोल दे देते। अम्मा यहाँ एक्टिंग, परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशंस कोई नहीं देखता। यहाँ सबको जिस्म देखना और दिखाना है एक्ट्रेस का। अब ऐसी भी अंधेर नहीं मची मोमिना। ऐसा ही अंधेर है अम्मा, आपका जमाना और था। यहाँ सिनेमा में सब खानदानी और शरीफ लोग जाते हैं अपने पूरे खानदान के साथ, लेकिन जाते तो आइटम नंबर देखने ही है ना। अब मोमिना, एक्टिंग भी कोई चीज होती है, परफॉर्मेंस भी कुछ होती है। आपके जमाने में होती थी एक्टिंग और उसकी कदर भी। मैं जिस जमाने में हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ ग्लैमर बिकता है। हर चीज की कीमत होती है, कदर नहीं। मेरा जमाना इतना पुराना भी नहीं था, ये कोई 15-20 साल पहले की बात थी। 15-20 साल दो दहाइयों को कहते हैं अम्मा। जाता तो जहांगीर का गुर्दा ट्रांसप्लांट हो जाता। मोमिन की तो हर फिल्म हिट होती है, ये फिल्म भी हिट हो जाती और स्टार बन जाती, फिर काम ही काम होता। अगर फिल्मों में काम नहीं भी मिलता तो टीवी पे तो हीरों काम मिल जाता। टीवी पे हीरों ऐसे भी मिल जाते।
जहांगीर का गुर्दा। ये तुम चाय तो पियो, खाना क्यों बंद कर दिया? ले लो। तो क्या करे, कल करे और क्या करे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मोमना, तुमने क्या किया है? कैरेक्टर के डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती थी। बस बैठ के सिर्फ बहनों और सहेलियों के रोल करना और फिर खाला और चचियों के नाम बनाने के लिए सब करना पड़ता है और सब कर रही हैं। सुना तुमने? सुन लिया। सीखना मत। मेहनतें करके मैंने दाऊद से कहकर तुम्हारी ऑडिशन की बात की थी और तुम हो के लड़कर आ गई हो। अकल का अंधा भी ऐसे ना करता। और तुम तो मजबूर और जरूरतमंद हो मोमना। बदतमीजी उसने मुझसे की थी, मैंने क्या किया है? वो कर सकता है, डायरेक्टर है वो, सिक्का चलता है उसका इस इंडस्ट्री में। हीरोइनें तवाफ करती हैं उसकी फिल्म में कास्ट होने के लिए। वो अगर गाली भी देना तब भी कोई उफ तक नहीं करता। और तुम उसे चीप कहकर आ गई हो। दिमाग खराब हो गया था मेरा। पछताने का क्या फायदा? मैं पछता नहीं रही, ये सोच रही हूँ कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। मोमना, यार आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से इतना जलील किया उसने दाऊद को कि कहाँ कहाँ से लड़कियाँ उठाकर ले आते हैं ऑडिशन के लिए, जिनका ना खानदान है ना ही कोई क्लास। और जिसका खानदान और क्लास है वो क्या कर रहे हैं? ठीक कह रही थी तुम, तुम्हें उसके पास भेजना नहीं चाहिए था। तुमसे दाऊद ने पहले भी कहा था कि ये फिल्म है फिल्म, इसे सोप या सीरियल समझ के मत आना। मेरा मसला सिर्फ पैसा है इस वक्त। मोमिन की फिल्म इसलिए करना चाहती थी ताकि जहांगीर के इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते। जहांगीर की खातिर ये तो मैं और दाऊद कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें चांस मिल जाए। क्या करें, माफी मांगो उससे। वो मोमिन है, कीना रखता है, बदला लेता है, माफ नहीं करता। फिल्म में तो तुम्हें कास्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उसके सर्कल में किसी की फिल्म में नजर नहीं आऊंगी अब तो। एक मौका था जहांगीर का इलाज हो जाता, पर तुम गवा दिया ना ये भी। जिंदगी में मौका गवाने के अलावा मैंने किया ही क्या है? Thank you.